अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं, उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी वी, सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। योग मुद्रा धारण करने वाले भगवान शिव शंकर अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए जब कभी भी धरती पर अवतरित हुए हैं, तो उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदला। वो या तो साक्षात जटाधारी भोले शंकर के रूप में भक्तों का दर्शन देते हैं या फिर शिवलिंग के रूप में। अभी तक जो ज्ञात है उसके अनुसार केवल एक ही स्थल पर भगवान शिव अपने ऐसे अद्भुत स्वरूप में विराजमान हैं, जिन्हें भक्तजन स्नेह आदर तथा भक्ति भाव से बुड्ढा अमरनाथ कहते हैं। पवित्र स्थान है जम्मू कश्मीर राज्य के पूंछ नगर के मंडी उपनगर में। मंडी उपनगर भी यहां स्थित बुड्ढा अमरनाथ जी के मंदिर के संग संग अपनी सुंदर दृश्यावली के कारण भी प्रसिद्ध है। चमोर पर्वतों से घिरा यह उपनगर वन संपदा की दृष्टि से भी समृद्ध है। श्री बुड्ढा अमरनाथ जी का ये मंदिर किसी पहाड़ी या ऊंचे चबूतरे पर नहीं, अपितु पहाड़ी के नीचे एक समतल स्थान पर स्थापित किया गया है। मंदिर एक खुले परिसर में और मनोहारी प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। परिसर में और भी भवन निर्मित किए गए हैं, किंतु मुख्य मंदिर इस परिसर के अंतिम छोर अर्थात पहाड़ के निकट निर्मित किया गया है। बुड्ढा अमरनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव शंकर श्वेत रंग के एक शिवलिंग के रूप में विद्यमान है, जो अन्य शिव मंदिरों की भांति स्वयंभू प्रकट नहीं हुए हैं। श्वेत पत्थर के इस शिवलिंग को मंदिर में स्थापित किया गया है। का आकार सामान्य शिवलिंग के समान ना होकर थोड़ा भिन्न है। इस शिवलिंग के थोड़ा सा पीछे और तनिक ऊपर भगवान शिव तथा माता पार्वती की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। दोनों की प्रतिमा श्वेत पत्थर से निर्मित हैं। भगवान शिव की प्रतिमा योगी रूप में है, जबकि माता पार्वती की प्रतिमा को सुंदर और मूल्यवान वस्त्रों संग
पारंपरिक आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। दोनों प्रतिमाओं पर सुंदर मुकुट शोभायमान है। इसके अतिरिक्त दोनों पर छत्र भी स्थापित है। यहीं पर श्री गणेश तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर के भीतरी कक्ष को भी बड़े ही आकर्षक तथा कलात्मक रूप से बनाया है। ये पवित्र एवं प्राचीन मंदिर दो पर्वतीय नदियों पुलस्त्य तथा गगरी के संगम स्थल के निकट स्थापित है। इनमें से पुलस्त्य नदी तो मंदिर के निकट से बहती हुई चली जाती है। पौराणिक कथाओं अनुसार इस स्थान पर रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि ने कई वर्षों तक तप किया था। इन्हीं के नाम से इस नदी को भी पुलस्त्य नदी कहा जाता है। इसी प्रकार पुंछ नगर का नाम भी शताब्दियों पहले पुलस्त्य नगरी ही था, जो कालांतर में बदलते बदलते पुंछ बन गया। बुद्धा अमरनाथ जी के इस प्राचीन मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने दूर दूर से आते हैं। यहाँ शिवरात्रि और बैसाखी को मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनमें भाग लेने वाले भक्तों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। किंतु बुद्धा अमरनाथ मंदिर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर वर्ष सबसे बड़े और विशेष समारोह का आयोजन किया जाता है। दिन तक चलने वाले इस समारोह का समापन रक्षाबंधन के पर्व पर होता है। इस समारोह का आरंभ पुंछ नगर में स्थित दशनामी अखाड़े से होता है। विधिवत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रों के उच्चारण संग पवित्र छड़ी यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा की अगुवाई अखाड़े के महंत करते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पवित्र छड़ी को बुद्धा अमरनाथ मंदिर ले जाया जाता है। उधर बाबा बुद्धा अमरनाथ जी के पवित्र मंदिर में इस दिन एक मेले सा वातावरण दृष्टिगोचर होता है। चारों ओर भक्तों का सागर लहरें लेता प्रतीत होता है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्त भोलेनाथ के दर्शनों हेतु आते रहते हैं। अन्य शिव मंदिरों की भांति यहाँ भी शनिवार और सोमवार को विशेष रूप से पूजा की जाती है तथा लोग शिव दर्शनों के लिए सह परिवार आते हैं। शिवरात्रि तथा बैसाखी पर यहाँ विशेष तथा भव्य समारोहों का आयोजन किया जाता है।
इस मंदिर का मुख्य समारोह रक्षाबंधन के पावन पर जो आयोजित किया जाता है, उस दिन सारे मंदिर को बड़े ही भव्य तथा कलात्मक रूप से सजाया जाता है। प्रातःकाल से ही मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों का आना आरंभ हो जाता है। मंदिर में छड़ी के पहुंचते ही सारा परिसर बम बम भोले, जय जय शिव शंकर तथा जय बाबा बुद्धा अमरनाथ जी के घोष से गूंजने लगता है। चांदी के पूजन के संग ही मंदिर में दशनामी अखाड़े के महंत तथा अन्य साधु संतों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है और उसके साथ ही छड़ी यात्रा संपन्न होती है। बुद्धा अमरनाथ मंदिर के स्थापन से संबंधित एक जनश्रुति शताब्दियों से पूंज क्षेत्र में प्रचलित है। इसके अनुसार किसी काल में यहाँ के राजा की रानी चंद्रिका प्रतिवर्ष भगवान शिव के दर्शनों हेतु कश्मीर घाटी में स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा पर जाया करती थी। जनश्रुति के अनुसार एक बार प्राकृतिक कारणों से वो अमरनाथ न जा सकी। कहते हैं कि उस वर्ष पहाड़ों पर बहुत अधिक हिमपात हुआ था, जिस कारण यात्रा जाने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए किंतु सफल ना हो पाई। अंततः प्रकृति के सम्मुख विवश हो उन्होंने यात्रा का विचार त्याग दिया। इस बात से वो बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने अंजल का भी त्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने जब अपने प्रति उनकी इस प्रकार की असीम श्रद्धा देखी तो कहते हैं कि एक रात वो रानी को एक वृद्ध का रूप धारण कर स्वप्न में आकर बोले कि अमरनाथ यात्रा ना कर पाने से इस प्रकार दुखी ना हो। अब तुम्हें अमरनाथ जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान शिव मंदिर में अमुक स्थान पर भी उसी रूप में विराजमान है। उन्होंने स्वप्न में रानी को ये भी कहा कि जो भी उस स्थान की यात्रा करेगा उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो अमरनाथ यात्रा से प्राप्त होता है। रानी प्रातः काल ही वहां जा पहुंची और श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना की। कहते हैं कि तभी से इस स्थान के लिए वार्षिक यात्रा आरंभ हुई। रानी को चूंकि भगवान शिव ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन दिए थे, इस कारण इस स्थान का नाम वृद्ध अमरनाथ, जो कालांतर में बुद्धा अमरनाथ बन गया। आज भी बहुत से भक्त जो किसी कारण बाबा अमरनाथ की यात्रा नहीं कर पाते, वो बुद्धा अमरनाथ की यात्रा कर अपने को धन्य मानते हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस यात्रा से भी वही पुण्य प्राप्त होगा जो अमरनाथ यात्रा से होता है।